पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पुण्य शुक्रवार का दिन है। हम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र गांवों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बाय हिज वुंड्स वी हैव बीन हील्ड। क्रूस में ही मुक्ति है, क्रूस में ही अनंत जीवन है। इसके लिए क्रूस हमारे जीवन का कलंक नहीं है, क्रूस हमारे जीवन का अपमान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से पहले क्रूस एक अपमान का चिन्ह था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले क्रूस एक जो कैदियों के लिए उनके लिए मृत्यु का दंड, प्राण दंड क्रूस के ऊपर दिया जाता था। अपमान, एक शर्मनाक मृत्यु क्रूस के ऊपर दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, क्रूस के ऊपर मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु ने इस क्रूस का कलंक को अपने पवित्र लहू के द्वारा मिटा दिया, पाप को मिटा दिया। इसके लिए क्रॉस इज ए फाउंटेन ऑफ मर्सी एंड लाइफ। इसके लिए क्रूस एक दया और अनुकंपा और अनंत जीवन का स्रोत है। क्रूस एक अनंत जीवन का स्रोत है, दया और अनुकंपा का स्रोत है। इसके लिए प्रभु ने कलवारी पर अपने क्रूस धोया, क्रूस पर प्राण अर्पित किया, पूरे मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, पापों के बंधनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कलवारी पर अपने आप को खून बहा दिया। ये प्रभु ने दोनों हाथ आसमान पर फैला दिया। आउटस्ट्रेच्ड आर्म सिंबलाइजेस गॉड्स अनकंडीशनल लव फॉर द ह्यूमैनिटी। प्रभु को दोनों हाथ फैलाकर प्रभु पूरे मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके लिए क्रूस एक आशा का चिन्ह है, क्रूस एक धैर्य का चिन्ह है। हमारे दुख भोग के बाद, हमारे दर्द के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, विजय मिलेगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए क्रूस से दूर नहीं भागना है, क्रूस को चुंबन करना है, क्रूस को गले लगाना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तंगी में रहते हुए भी दूसरों के बारे में सोचते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के प्रति सहानुभूति दिखाते, एक ने विश्वास का किया, दूसरे ने अस्वीकार किया, फिर भी प्रभु उन्हें प्यार करते, क्षमा करते हैं। प्रभु यरूशलेम की स्त्रियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, प्रभु उन डाकुओं के प्रति सहानुभूति दिखाते, वो कहते तुम इस वक्त स्वर्गराज में रहोगे। इसके लिए क्रूस हमारे जीवन का मुक्ति है, क्रूस हमें अनंत जीवन के लिए एक रास्ता, क्रूस में ही मुक्ति है, अनंत जीवन है।